मैं हूँ आपके साथ रोशनी और जी हाँ मैं वादे की बिल्कुल पक्की हूँ तो आ गई हूँ मैं अब बिग बॉस 14 के नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट के साथ कि इनके क्या कुछ कहते हैं और गैस करिए आखिर कौन है वो जी ना ना दे बसीन हम उनके बारे में जानेंगे कि साल 2021 कैसा रहेगा उनका और क्या कुछ उनकी लव लाइफ कहती है उनका करियर कैसा रहेगा सिर्फ और सिर्फ मुनीषा खतवानी के साथ एंड we'll लाइफ क्या कहती है कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो आइए बिल्कुल शुरुआत करते हैं हाँ so तो चुका है जिनकी वजह से लास्ट टू ईयर्स से उनका जो करियर है बहुत पिकअप हुआ है स्पेशली द लास्ट वन एंड हाफ ईयर उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहा है 2021 में भी उनका ट्रेंड बहुत अच्छा है करियर वाइज अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चले पर्सनल लाइफ में भी उनका अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है बट दे नीड टू नॉट टेक देयर रिलेशनशिप वेरी सीरियसली लाइक दे शुड जस्ट गो विद द फ्लो आगे की जितनी प्लानिंग करेंगे उतना उनको तकलीफ होगा बट इफ़ दे गो विद द फ्लो उतना स्मूथ उनका रिलेशनशिप चलेगा एंड शी विल हैव अ टफ कॉल टू टेक बिकॉज उनका रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट होगा और उनको करियर में भी

टॉप टू टॉप थ्री नॉट नॉट नथिंग लेसर देन दैट तो आई वुड से अभी तक मेरे जो बेट्स हैं अब बिटवीन रूबीना एंड हा तो इन दोनों में स्टार्स और कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है जासमिन का भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है द सन इज़ द ब्राइटेस्ट कार्ड इन द इन द टैक तो इसमें उनके लिए सक्सेस और मैं ये कहना चाहूँगी बाय चांस वो शी डज नॉट कम इन द टॉप टू या वो जीतती नहीं है उनके लिए ये शो जनरली बहुत फ़ायदेमंद होगा Okay. Some people get more benefit yes. out of the show, yes. और because सन का कार्ड आया है तो इसमें उनको ज्यादा बेनिफिट होगा Okay. लेकिन अगर can...

उनका फ़ैन फॉलोइंग स्पेशली जो जैस्मिन का फ़ैन फॉलोइंग है दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो बिकॉज उनके लिए आ रहा है देखो एस ऑफ पेंटिकल्स ना एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उनके लिए एक नई प्रैक्टिकल शुरुआत मनी के लिए शुरुआत गुड मनी गुड फैन फॉलोइंग सो आई सी हर डूइंग वेरी वेल बिकॉज उनका सन okay. कार्ड उनका सन कार्ड भी आया है एंड उनका रूलिंग नंबर भी सन से है नंबर वन So, अब हम जानना चाहेंगे कि काफी कुछ बातें हमें सुनने को मिलती है अलीगोनी और जैस्मिन के यू uh, नो you know, जो उनकी बॉन्ड hmm. है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में ओके सो दे इंजॉय कंपनी उनके लिए रिट्रीट एंड रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड <laughs> आया या <laughs> yeah. सो so, रिट्रीट मतलब हॉलीडे उनके लिए गेट अवेज उनको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना घूमना फिरना इन्जॉय करना एंड रोमांटिक फीलिंग्स तो है दोनों के बीच दो में सो यस इट्स लुकिंग पॉजिटिव एंड लाइक आई सर उनके लिए इम्पोटेंट है टू गो विद द फ्लो ओके सो अभी मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने साल 2021 के बारे में बताया कि जासमिन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी आप जासमिन बसीन को सोचना कम करो अपने दिमाग को टैक्स करना बंद कर दो बिकॉज उनके लिए वो ही आ रहा है कि टू लर्न टू गो विद द फ्लो एंड टू लर्न टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड शी इज अ वेरी सिंपल पर्सन एक्चुअली बाय नेचर मतलब मे बी इनिशियली उनका जो चाइल्ड हुड है या बिफोर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री वो जनरली काफ़ी ईजी गोइंग और सिंपल लड़की है सो आई डोट नो इंडस्ट्री ने कितना उनको चेंज किया है लेकिन जनरली शी शू नॉट टेक टू मच बर्डन इन लाइफ सब ठीक हो जाएगा शो yes. uh, में दिख रहा है कि वो थोड़ी सेंसिटिव है तो उसको अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर थोड़ा वर्क करना है बिकॉज ये थैंक यू सो मच मुनीशा थैंक यू जॉइनिंग काफी कुछ बताया हमें बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट जैसमन बसीम के बारे में मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ है आपकी राय ये जो कार्ड अभी हमने देखे और जो मनीषा ने हमें बताया कि इस तरह का होगा जासमिन बसीन का साल 2021 हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हम और भी कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड पाई के ऊपर तो बने रहिए आप मैं जल्द हाजिर होंगी एक और कॉन्टेस्टेंट्स के कार्ड्स के साथ